हेलो क्लास फोर्थ स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नेम इज़ ट्रीज। ट्रीज़ मतलब पेड़। पोएम रिटन बाय जॉयसी किल्मर। किसने लिखी है ये? जॉयसी किल्मर करके एक पोइट थे, उन्होंने लिखी है। और ये पोएम जो है वो किससे रिलेटेड है? नेचर से रिलेटेड। ये जो पोइट है वो जितनी भी पोएम लिखते हैं वो किससे रिलेटेड होती है? नेचर से रिलेटेड होती है। नाउ स्टार्ट द पोयम। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री। लवली मतलब वेरी ब्यूटिफुल। अ ट्री हूज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। प्रेस्ड मतलब पुश्ड फर्मली, फ्लोइंग मतलब मूवमेंट, कंटिन्यूज मूवमेंट। अ ट्री डैट लुक एट गुड गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट हर लिफी आर्म्स टू प्रे। लिफी मीन्स फुल ऑफ लीव्स। अ ट्री डैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। रॉबिन्स मीन्स स्मॉल ब्राउन बर्ड्स। अपॉन हूज बॉसम स्नो हैज लेन हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। बॉसम मीन्स द फ्रंट पार्ट और लेन मीन्स कवर्ड। इंटीमेटली मीन्स कंफर्टेबली। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ये जो पोएम है इसके अंदर जो पोएट है जिनका नाम है जॉयसी किल्मर, वो ये बोलते हैं कि भगवान के क्रिएशन से ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। द पोएम बिगेंस विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट ही विल नेवर सी अ पोएम दैट इज़ मोर ब्यूटिफुल देन अ ट्री। जब वो पोएम स्टार्ट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि उन्होंने आज तक ट्री से जो ब्यूटीफुल पोयम है वो नहीं देखी है। उनकी नज़रों में ट्रीज जो पोयम है वो क्या है? मोर ब्यूटीफुल है। ही डज नॉट बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर देन वॉट गॉड हैज़ मेड। उनको ये लगता है कि भगवान ने जो बनाया है ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो वो इंसान बना सके। उनके लिए क्या है कि भगवान ने जो बनाया है वो ही बहुत अच्छी चीज़ है। गॉड का क्रिएशन जो है उनकी नज़रों में बहुत अच्छा है। द फॉलोइंग लाइन्स आर डिवोटेड टू द टाइप ऑफ ट्री ही हैज़ इन माइंड। और आगे की जो लाइन है वो किसके डिवोटेड कर रखी है उन्होंने? एक पेड़ को जो उनके दिमाग में है। इट विल हैव एन इंटीमेट कनेक्शन टू द अर्थ एंड इट्स एलिमेंट। उस पेड़ का क्या है? अर्थ से और उसके जो एलिमेंट से उनसे कनेक्शन है। देयर विल बी बर्ड नेस्टिंग इन द ब्रांचेज इन द समर। वो ये बोलना चाहते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? समर में जो पेड़ होती है उनकी ब्रांचेज पे बैठते हैं। एंड जेंटल स्नो ऑन द ट्रीज ब्लॉसम इन द विंटर। और उसी पेड़ से क्या होता है? सर्दी में थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी क्या चलती है? हवा चलती है। द पोयम कंक्लूड विद द स्पीकर एक्सप्लेनिंग दैट नो मैटर वॉट ह्यूमन काइंड डज नो पोयम और पीस ऑफ आर्ट विल बी लवलियर देन वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट। और इस पोयम में वो ये कहते हैं, ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितना भी कुछ बना ले, कोई भी पोयम बना ले, कोई भी आर्ट बना ले, कोई भी चीज़ बना ले, लेकिन दुनिया में जो प्लेनेट पे ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उससे अच्छी खूबसूरत चीज़ यहाँ पर कोई नहीं है। उनका कहने का मतलब ये कि भगवान ने जो बनाया है हमारे आसपास में पेड़ पौधे नदियाँ वगैरह वो सब क्या है? बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। इनसे अच्छा हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। हम कितने से कितनी अच्छी पोयम भी लिख लें, कितने से अच्छा आर्ट भी बनाने, लेकिन भगवान ने जो बनाया उससे अच्छा खूबसूरत इस दुनिया में, इस धरती पर कुछ नहीं है। ऑल्दो द पोयम इज कोटेड इन फुल बिलो यू कैन। उनके कहने का मतलब ये कि जो भगवान का क्रिएशन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो नेचर है भगवान का वो बहुत अच्छा है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारा वो क्या है? बहुत अच्छा है। हम उसको किसी भी चीज़ पे ख़राब नहीं करना चाहिए। हम बनावटी जो चीज़ें होती है वो सही नहीं है। और जो सबसे वंडरफुल चीज़ें हैं वो क्या है? ट्री है, पेड़ पौधे हैं, जिनको हमें बचा के और संभाल के रखना चाहिए। थैंक यू।